सब सही है ब्रो। हम साइकिल चला रहे हैं, मस्त मजे में हैं, और आप इंसान जैकी का वीडियो देखे व्लॉग शूट और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हेलो हाय, हैप्पी संडे, कैसे हैं? बढ़िया, सब सही है ब्रो, है ना। आज संडे होने के कारण मैं भी छुट्टी पे हूँ, कहीं बाहर नहीं जाने वाला, ना ही अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आज बस कैमरा होगा, आप होंगे, मैं होंगे, और आज चलेगी अपनी स्टोरी। काफ़ी दिन हो गए मैंने स्टोरी टेलिंग नहीं की, और कुछ ऐसी स्टोरीज मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो और बहुत ज़्यादा अपने अंदर एटीट्यूड भरे कि हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। काफ़ी सारे डाउनफॉल आते हैं लाइफ में और उसके कारण ना हम बहुत पीछे हो जाते हैं, लेकिन अपने को पीछे नहीं होना है, आगे होना है। तो आज मैं आपको बताऊँगा स्टोरी ऐसी एटीट्यूड वाली कि आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। तो ये स्टोरी सुनिए, कैसी लगी स्टोरी फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्ते सलाम जैकी बताते नाम, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसान जैकी। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, मेरी माने तो सब सही है ब्रो। आज की स्टोरी है एटीट्यूड के ऊपर। एक लड़का रहता है रोहित नाम का, एक बार वो एक फ़ोन बूथ पे जाता है जहाँ पे एसटीडी कॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके वो फ़ोन लगाता है। काउंटर में ही फ़ोन बूथ का जो मालिक होता है वो बैठा रहता है, फ़ोन लगाता है एक लेडी को, और फ़ोन लगा के बोलता है कि जी मैं आपके यहाँ लॉन काटने का काम कर सकता हूँ। लॉन जो घर के आगे होता है, छोटा सा जो गार्डन टाइप का होता है, वो उसको वो काम आता है, वो घास वास काट सकता है। तो बोलता है कि मैं आपके यहाँ घास काटने का काम कर सकता हूँ, मैं बहुत ही पैशनेट लड़का हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेडी आगे से बोलती है कि नहीं भैया, हमें ऐसे कोई लड़के की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक पैशनेट लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है। तो लड़का बोलता है अच्छा। फिर से वो बोलता है कि देखिए मैम, मैं आपके यहाँ घास भी काट दूंगा, आपके फ्लोर की सफाई भी कर दूंगा, झाड़ू पोछा भी लगा दूंगा, मुझे रख लीजिए। लेडी कहती है कि नहीं, एक पैशनेट लड़का है मेरे पास, हमें नहीं चाहिए। लड़का और दो तीन चीज़ें ऐड ऑन करता है। लड़का बोलता है कि देखिए आप मुझे एक महीने की सैलरी मत दीजिए और आप मुझे काम पे रख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर। लेडी कहती है कि भैया हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास जो लड़का है अच्छा है, हम उसमें खुश हैं। लड़का दो तीन ऑफर और देता है और वहाँ से सिर्फ रिजेक्शन मिलता है, आगे से सिर्फ रिजेक्शन मिलता है। लड़का मुस्कुराता है, फ़ोन रख लेता है। फ़ोन बूथ का मालिक देख रहा होता है और देख के उसको लड़के में कुछ स्पार्क नज़र आता है। वो बोलता है कि यार मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है, तुम्हें सिर्फ रिजेक्शन मिला और तुम्हारे चेहरे पे स्माइल थी, एक काम करो तुम मेरे पास काम करो, मैं उस लेडी से ज़्यादा पेमेंट दूंगा। सुनिए क्या बोला उसने, मैं उस लेडी से ज़्यादा पेमेंट दूंगा तुम्हें, तुम मेरे पास काम करो। तो लड़का बोलता है नहीं मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। तो शॉप ओनर कंफ्यूज होता है और हैरानी से उसकी तरफ देखता है, और उस लड़के ने जो जवाब दिया था वो सुन के शॉप ओनर और भी हैरान हो जाता है। लड़का बताए क्या जवाब देता है, मैं उस लेडी के पास ही काम करता हूँ, मैं तो अननोन नंबर से फ़ोन करके पता कर रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या उन्हें दूसरे लड़के की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि पैशनेट अगर आप रहोगे आपके काम के लिए, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो दुनिया का, अगर आप अपने काम के बारे में पैशनेट रहोगे तो लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, आपको लोगों की नहीं। तो हर चीज़ के लिए पैशनेट रहिए। आलस करना अच्छा लगता है, लेकिन आलस से आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं वीडियो मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ कभी कभी मेरे दिमाग में भी आता है कि आज मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर मेरा पैशन मुझे उठाता है, जगाता है और कहता है कि नहीं यार ये तो करना पड़ेगा, इसीलिए तो तू बना है। यही करने का सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, आपसे इंटरेक्ट करूंगा, पूरी दुनिया को मैं अपनी कहानी बताऊंगा। कोई कोई कहता है कि यार तू खुद को ही दिखाता है, तो मैं सोचता हूं कि मैंने इसलिए तो अपना चैनल शुरू किया कि मैं अपनी कहानी लोगों को बता सकूं कि मैं क्या हूं। सो आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, और आलस मुझे छूता भी नहीं है इसके लिए। सो पैशनेट अबाउट योर वर्क, जो भी कर रहे हैं लोग आपकी तलाश में आएंगे, आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आज की स्टोरी? थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो एक थम्स अप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और एक लाइक इस वीडियो को देख के मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और पैशनेट बना सकते हैं, ताकि मैं रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। बाकी कल का व्लॉग जो आएगा, मैं सच बता रहा हूं, कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। कहीं बाहर जाने वाला हूं दोस्तों के साथ, तो देखना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरे वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक कहना चाहूँगा लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। अडियोस अमिगोस बूम। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकराते
दे चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे रुकावट को काटे जड़ से मंजिल।